लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल चिन्ह खड़े हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं आता। इसलिए साथियों मैंने निर्णय लिया है कि आरपीएससी, जहां से कई सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारी वहां पे खबरें आई कि वहां पर तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, अजमेर स्थित आरपीएससी है, मैं 11 तारीख को परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा, जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है मुख्यमंत्री की नेता, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी। नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूँ सचिन पायलट के ऊपर एक बड़ी अपडेट। सरकार के खिलाफ 11 मई से पद यात्रा करेंगे सचिन पायलट, बोले गहलोत की नेता वसुंधरा, सोनिया नहीं, जिनके दम पर सीएम बने उन्हें बदनाम किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने गहलोत के आरोपों पर मंगलवार को खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों की आलोचना कर रहा है। भाजपा नेताओं की तारीफ और कांग्रेस नेताओं का अपमान मेरी समझ से बाहर है, यह पूरी तरह गलत है। मुख्यमंत्री की बातों से लगता है कि उनकी नेता वसुंधरा राजे है, सोनिया गांधी नहीं। उनके नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, चुगली करते हैं, ऐसी बातें मुझसे भी की जाती हैं, लेकिन मैं मंच पर ये कहूं तो यह शोभा नहीं देता। सचिन की दो बड़ी बातें, कहा अब मैं ना उम्मीद हूं। पायलट ने कहा, हमने दिल्ली जाकर अपनी बात कही, वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार पर कई महीनों तक चिट्ठियां लिखी, अनशन पर बैठा, तब भी जांच नहीं हुई, समझ में आ रहा है क्यों एक्शन नहीं लिया, अब मैं ना उम्मीद हूं, जनता ही भगवान है, जनता के सामने सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 मई को अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकालेंगे, 125 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा होगी, इसमें 5 दिन का वक्त लगेगा। गहलोत ने रविवार को धौलपुर में पायलट कैंप के विधायकों पर सियासी संकट के वक्त 10 से 20 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। गहलोत ने विधायकों को अमित शाह का पैसा वापस लौटाने की सलाह भी दी थी। गहलोत ने कहा था कि अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत, इन सब ने मिलकर हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया, राजस्थान में विधायकों को पैसे बांट दिए, यह लोग पैसा वापिस नहीं ले रहे हैं, मुझे चिंता लगी हुई है। ये